हेलो फ्रेंड्स, आपका आरकेयू टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन आप पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, वो भी घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें ऑनलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हैं और हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। इसमें हम NSDL टाइप करेंगे और इसे सबसे पहली साइट है ऑनलाइन पैन अप्लाई, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करेंगे इंडियन सिटीज़न, यहाँ पे इंडिविजुअल, उसके बाद श्रीमती, श्री कुमारी, जो भी हमें करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम में भरेंगे हम, जो भी हमें नाम भरना है वो हम फर्स्ट नेम में भरेंगे। यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मंथ, डे, और यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे अपनी। और यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालेंगे, जो हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वो हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे नहीं भी है तो अपना कोई फ़ोन नंबर अपना कोई भी डालेंगे। यहाँ पे हम कैप्चर कोड डालेंगे, ये जो कैप्चर कोड है हम यहाँ पे डालेंगे, इसको हम सबमिट करेंगे। इसने कोई एरर दिया है, ये बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट नेम है इसको सबसे शुरू में डालो सरनेम में। अगर किसी का सरनेम नहीं है तो वो सरनेम में अपना नेम डालेगा। फिर सबमिट करते हैं इसमें हम। इसने हमें एक टोकन नंबर दिया है, ये हमारा टोकन नंबर है, इसको हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नीचे हम क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है इस पर। इसके बाद हमारा ये EKYC, इस पर क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे हम यस रहने देंगे। ये बोल रहा है कि आपको फिजिकल मतलब पैन कार्ड चाहिए पोस्ट द्वारा। और यहाँ पे हम अपने आधार के लास्ट के 4 अंक डालेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड में अपना फ़ोटो चाहिए, तो इसमें भी हम यस कर देंगे। यहाँ पे इसमें हमें कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये हमारा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा एड्रेस वगैरह। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है। ये बोल रहा है अगर आपका कोई अदर नेम है तो वो करो, या तो हम इस पे नो रहने देंगे। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्या आप पैन कार्ड में मदर का नाम चाहिए या फादर का, तो हम यहाँ पे फादर नेम डालेंगे अपना। हम ये नो पे ही रहने देंगे और फादर नेम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करेंगे नो इनकम पे, और यहाँ पे कुछ नहीं भरना है हमें। यहाँ पे हम अपना ISD कोड डालेंगे, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं भरना है और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे
AO कोड मांगा है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, अपने सेलेक्ट करना है दिल्ली, जहाँ से भी हैं आप, यहाँ पे भी, इनमें से दोनों में से किसी पे भी सेलेक्ट कर देना है दिल्ली देख के, और नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे हम हिमसेल्फ हरसेल्फ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जहाँ से हम फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे वहाँ का प्लेस का नाम डालेंगे और सबमिट कर देंगे। और ये आधार कार्ड के शुरू के जो हमारे 8 अंक थे वो यहाँ पे हम फिल करने हैं, पहले हमने 4 अंक डाले थे इसमें। यहाँ पे अब हम अपने आधार कार्ड के शुरू के नंबर डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले इसने 4 ही नंबर मांगे थे लास्ट के, अब ये शुरू के मांग रहा है, तो यहाँ पे हम शुरू के नंबर डालेंगे। इसमें हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। ये एक बार अब मैं चेक करा रहा है फॉर्म, क्या कोई गलती वगैरह है तो देख लो। यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से अब पेमेंट का आ गया है, हम ऑनलाइन पेमेंट पे सेलेक्ट करेंगे। ये 106 रुपये 90 पैसे कटेंगे इसमें। यहाँ पे हम नीचे टिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोल रहा है कि आप जिस से पेटीएम वगैरह किसी भी चीज़ से यहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हम पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये आ गया है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, जिससे भी हम करना है हम भीम ऐप से करेंगे। यहाँ पे हम अपनी भीम ऐप आईडी डालेंगे हम अपनी, यहाँ पे हम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जो कि कई लोग ऐसा होता है कि रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें कुछ सेकंड रुकना है, ये 1 मिनट के लिए रुकने के लिए बोलता है। यहाँ ये यह हमें पेमेंट का बता रहा है, कंफर्मेशन का दे रहा है। यहाँ पे इसे फिर से हमें कंफर्म करना है, नीचे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे इसमें, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे ये इस पर टिक करके फिर से ये KYC के लिए बोल रहा है, इस पर कंटिन्यू विथ EKYC पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे यहाँ हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक OTP गया है, हम यहाँ पे अपनी OTP डालेंगे। यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। कंटिन्यू विथ साइन अप बोल रहा है ये। फिर से यहाँ पे हमें आधार कार्ड का पूरा नंबर डालना है। यहाँ पे पहले हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पे हम। ये फिर से एक बार आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, यहाँ पे हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे हम। यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से हमारे एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक OTP गया है, हम यहाँ पे अपना OTP डालेंगे। वेरीफाई OTP क्लिक कर देंगे।
उसको नेवर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग के लिए आ रहा है। ये हमारा दोस्तों फॉर्म फिल हो गया है। यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, हमें डालना है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, जैसे मैंने इसमें डाला था 03/11/1997, और ओके कर देना है। ये हमारा ऑटोमेटिक फॉर्म फिल हो गया है यहाँ पे हमारा। ये हमारी मेल पे भी आ गया है। ये दोस्तों सबसे ऊपर ये हमारा ट्रैक नंबर है, इससे हम ट्रैक करेंगे कि हमारा पैन कार्ड कहाँ पर है, कहाँ तक पहुँचा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे मेल पे भी फॉर्म आ गया है। इसमें मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसमें भी सबसे ऊपर ट्रैक नंबर है, फॉर्म में भी ट्रैक नंबर आता है। दोस्तों हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। एक दो घंटे में हमारी मेल पे भी पैन कार्ड आ जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्म भरा था 5:30 बजे, यहाँ पे टाइम आ रहा है 5:58, और ये 7:30 बजे ये हमारा पैन कार्ड बन के भी आ गया है। ये मैं आपको इसकी PDF खोल के दिखाता हूँ। ये जो मेल आई है इसमें वही पासवर्ड डालना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड डाला था पीछे। ये हमारा पैन कार्ड बन के आ गया है, ये बस इसमें होमो लोगो एक बाकी रह गया है, वो जब पोस्ट होगा तब। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।